ये अपने पास में सीरीज जनरेटर है, सीरीज जनरेटर की कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है। यानी यहाँ पर ये बाइंडिंग है, हम सीरीज में अंदर कनेक्ट कर देते हैं। ये लोड कनेक्ट कर दिया है, ISE और IL दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों सीरीज के अंदर कनेक्ट है और वोल्टेज दोनों के अंदर डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पर अगर KVL अप्लाई कर देते हैं सीरीज जनरेटर के अंदर, तो हमारे पास में आउटपुट आ जाता है EG-IA RA+RSE। RA क्या है? आर्मेचर का रेजिस्टेंस। RSE क्या है? ये सीरीज बाइंडिंग का रेजिस्टेंस। उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा माइनस के ब्रूस रेजिस्टेंस ड्रॉप। ब्रूस रेजिस्टेंस मतलब कि ये ब्रूस कनेक्टेड है, इनका रेजिस्टेंस का ड्रॉप है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये ब्रूस रेजिस्टेंस का ड्रॉप भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें IA IL और ISE है, ये सारे इक्वल होंगे। ये कब तक इक्वल होंगे? जब तक हम 5 फ्लक्स जैसे इंक्रीज होगा, करंट की वैल्यू IA की वैल्यू इंक्रीज होगी अप टू सेचुरेशन। जैसे ही हम लोड इंक्रीज करते हैं तो फाई इंक्रीज होगा, फाई इंक्रीज होगा तो IA भी इंक्रीज होगा, ये अप टू सेचुरेशन तक इंक्रीज होगा। अब देखते हैं सिंपली, जैसे शंट वाइंडिंग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, शंट वाइंडिंग इस तरीके से कनेक्ट करते हैं हम, और सीरीज वाइंडिंग इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ए फील्ड वाइंडिंग मेड अप ऑफ थिक वायर, लेस नंबर ऑफ टर्न्स, लीस्ट रेजिस्टेंस एट इट कैरी लोड करेंट। जो हम फील्ड वाइंडिंग ये बनाते हैं, हम फील्ड वाइंडिंग ये किसकी बनाते हैं? फील्ड वाइंडिंग मेड अप ऑफ थिक वायर, लेस नंबर ऑफ टर्न्स, लीस्ट रेजिस्टेंस एज इट कैरी लोड करेंट, ताकि ये लोड करेंट को ले जा सके। ऑल्सो कॉल्ड एज करेंट ऑपरेटिंग फील्ड भी इसे कहते हैं हम। फ्लक्स इंक्रीज विद लोड अप टू सेचुरेशन, फ्लक्स की वैल्यू लोड की वैल्यू के अकॉर्डिंग अप टू सेचुरेशन तक इंक्रीज होती जाती है। ऐसे यहाँ पर शंट वाइंडिंग के अंदर रखते हैं, शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग अगर इस तरीके से कनेक्टेड हो, जैसे शंट वाइंडिंग भी कनेक्टेड है, सीरीज वाइंडिंग भी कनेक्टेड है, दोनों आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर दो तरीके से वर्क करेंगे। एक करेगी कॉम्यूटेटिवली, एक करेगी डिफरेंशियली। कॉम्यूटेटिवली कब करेगी? जब ISH और ISE दोनों के फ्लक्स का एडिशन हो रहा हो, तब ये कॉम्यूटेटिवली रूप से वर्क करती है। जब फाई नेट की वैल्यू ISH-ISE, यानी ISH शंट वाइंडिंग की तरफ से फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरीके से है, लेफ्ट टू राइट है, और ISE सीरीज वाइंडिंग की वजह से ये राइट टू लेफ्ट है, तो यहाँ पर डिफरेंशियली ये वर्क करेगी। यानी दो तरीके से जनरेटर बनेगा, एक कॉम्यूटेटिवली कंपाउंड जनरेटर, एक डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। अगर दोनों के फ्लक्स का एडिशन हो रहा है तो कॉम्यूटेटिवली कंपाउंड जनरेटर, और दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर की तरह ये वर्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ये लॉन्ग शंट जनरेटर का डायग्राम दिखाया गया है। लॉन्ग शंट के अंदर क्या होता है? ये लॉन्ग रूप में RSS की वैल्यू है, ये कनेक्ट होती है शंट वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग के साथ में, एक साथ लॉन्गली कनेक्टेड होती है। तो इसकी बेसिक फंक्शन क्या है कि जो IL की वैल्यू है, ISH की वैल्यू है, IA की वैल्यू है, तो IA की वैल्यू IL+ISH हो जाएगी। तो यहाँ पर IA की वैल्यू है IL+ISH हो जाएगी। नो लोड की कंडीशन में क्या होगा? नो लोड की कंडीशन में ISE की वैल्यू है वो जीरो होगी, ISE की वैल्यू जीरो होगी। तो इसके अकॉर्डिंग विथ लोड की कंडीशन में क्या होगा? ISE इनक्रीज होगा, क्योंकि लोड जैसे इंक्रीज करेंगे ISE इनक्रीज होगा, ISE इनक्रीज होगा तो फाई नेट इनक्रीज होगा क्योंकि ISH+ISE है। इसके अकॉर्डिंग EG भी इंक्रीज होगा। EG क्या है? जो यहाँ पर जनरेटर के अंदर वोल्टेज है ये EG है, ये भी इंक्रीज होगा। अगर जनरेटर के अंदर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो फाइनल आउटपुट हमारा भी इंक्रीज होगा। ये कॉम्यूटेटिवली के अंदर वर्क होता है। जैसे ISE इंक्रीज हुआ, फाइनेट इंक्रीज हुआ, फाइनेट इंक्रीज हुआ तो EG भी इंक्रीज होगा, EG भी इंक्रीज होगा तो B फाइनल आउटपुट भी हमारा इंक्रीज होगा। अब देखते हैं फोर डिफरेंशियली। डिफरेंशियली के अंदर ISE इंक्रीज होगा, जैसे ही ISE इंक्रीज होगा फाइनेट है डिक्रीज होगा। ISE जैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि जिस फार्मूले के अंदर देखें हम, जैसे ही ISE इंक्रीज होता है, ISE जैसे इंक्रीज होता है तो ये फाई यहाँ पर एस ISE इंक्रीज होगा तो फाई नेट रिड्यूस होगा। जब फाई नेट फ्लक्स हमारा रिड्यूस होता है, ये इंक्रीज होगा तो ये रिड्यूस होगा। तो फाई नेट जैसे रिड्यूस होता है तो उसके अकॉर्डिंग जनरेटर का अक्रॉस वोल्टेज है वो भी रिड्यूस होगा। जनरेटर का अक्रॉस EG रिड्यूस होगा तो वोल्टेज भी यहाँ पर रिड्यूस होगा। अगर ISH की वैल्यू देखें यहाँ पर, तो ISH की वैल्यू हो जाती है BY RSH। यहाँ पर देखें जैसे टोटल वोल्टेज है, सारी ब्रांच पैरेलल में है, ये ब्रांच पैरेलल में, ये ब्रांच पैरेलल में, ये ब्रांच, तो यहाँ पर पैरेलल ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है, इसके अकॉर्डिंग ये ISH की वैल्यू BY RSH आ जाएगी। फिर देखते हैं शॉर्ट शंट के अंदर क्या है। ये बाइंडिंग यहाँ से कनेक्ट कर दी है शॉर्ट ग्रुप में, लॉन्ग शंट में यहाँ से कनेक्ट करते हैं, शॉर्ट शंट में यहाँ से कनेक्ट करते हैं। अब शॉर्ट शंट में देखें हम IA की वैल्यू क्या है, वही सिस्टम है IL+ISH, लोड करंट इधर जा रही है, ISH इधर आ रही है, और ये करंट हमारी IA है, ये करंट IA है।
फिर देखते हैं आई ए आई एल प्लस आई एस एच है, हम के वी एल यहाँ पर लगा देते हैं, बी की परख की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई जी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एल आर एस ई, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, इसके अंदर हमने के वी एल लगा दिया माइनस के ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग आई एस एच की वैल्यू निकालते हैं। तो आई एस एच की वैल्यू क्या होती है, आई एस एच की वैल्यू हम यहाँ पर के वी एल अप्लाई कर देते हैं, के वी एल इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर आई एस एच की वैल्यू निकालते हैं, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, इस टर्मिनल के अक्रॉस टोटल वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ पर देखें हम टोटल वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज है ई जी माइनस आई ए आर ए, ये क्या होगा, ई जी माइनस आई ए आर ए, बी प्लस आई एल आर एस ई होता है, ये बी प्लस आई एल आर एस ई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप है, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम होती है, इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी नेगलेक्ट कर देते हैं तो आई एस एच की वैल्यू क्या हो जाती है, बी प्लस आई एल आर एस ई डिवाइड बाई आर एस एच, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों के अक्रॉस वोल्टेज, इसका अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, बी प्लस आई एल आर एस ई, बी प्लस आई एल आर एस ई, तो यहाँ पर बी प्लस आई एल आर एस ई हो गया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि ये दोनों पैरेलल के ब्रांच के अंदर हैं, ये कनेक्ट है, ये पैरेलल ब्रांच है एक दूसरे से, यहाँ से यहाँ पॉइंट के बीच में पैरेलल ब्रांच है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा सेम होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, बी प्लस आई एल आर एस ई, तो बी प्लस आई एल आर एस ई हो जाएगा डिवाइड बाई आर एस एच, आई एस एच की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इस पर बेस दो क्वेश्चन है, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन दिखाया गया है, जैसे कम्यूटेटर कंपाउंड डीसी जनरेटर मोटर रन्स एट 1000 आरपीएम एट नो लोड, नो लोड के अंदर 1000 आरपीएम पर ये कम्यूटेटर कंपाउंड डीसी मोटर है रन कर रही है, ऑन फुल लोड दी फ्लक्स इंक्रीज बाय 10%, जैसे हमने फ्लक्स इंक्रीज कर दिया, बेयर एज दी फुल लोड ड्रॉप दी कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दी आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड इज 5%, जबकि फुल लोड ड्रॉप के अंदर कंबाइंड रेजिस्टेंस है आर्मेचर और सीरीज रेजिस्टेंस है वो 5% है, नेगलेक्टिंग मैग्नेटिक सेचुरेशन दी फुल लोड स्पीड विल बी नियरली बाई, तो यहाँ पर फुल लोड स्पीड है पूछी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग है फ्लक्स इंक्रीज होता है कम्यूटेटर कंपाउंड मोटर के अंदर, तो फ्लक्स इंक्रीज होता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आरपीएम ये है फुल लोड वैल्यू है निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, जैसे ये क्वेश्चन देख रखा है, ए डीसी कम्यूटेटर कंपाउंड मोटर डिलीवर रेटेड लोड टॉर्क एट रेटेड स्पीड इफ दी सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड, अगर सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाए, मतलब आर एस ई है उसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाए, देन आर्मेचर करेंट एंड स्पीड विल बी, तो आर्मेचर करंट और स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर देखें हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो आई एस एच की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, आई एस एच की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, आई एस एच की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो आर्मेचर करंट है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी, क्योंकि आई एस एच की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी, स्पीड भी इंक्रीज होगी, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पहले इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कंपाउंड कम्यूटेटर कंपाउंड डीसी जनरेटर के, इसको हम 5 मोड के अंदर वर्क करा सकते हैं, ये डीसी शंट की तरह कब वर्क करेगा, अगर ये शंट की तरह वर्क करवाना है तो हम क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, अगर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम 0 कर देते हैं, ये बेसिक डायग्राम है, आर्मेचर का सेक्शन हो जाएगा, ये आर एस ई जो फील्ड वाइंडिंग है सीरीज के अंदर, ये शंट वाइंडिंग के अंदर फील्ड वाइंडिंग है, तो ये फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी, ये शंट वाइंडिंग हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, सही ये पूरा सर्किट हमारा शंट जनरेटर की तरह कैसे वर्क करेगा, शंट जनरेटर की तरह वर्क करवाने के लिए हम ये आर डी रेजिस्टेंस से 0 कर देते हैं, तो इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये आर फाइव एस एच हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये शंट की तरह वर्क करेगा, आर डी 0 होने पर शंट की तरह वर्क करेगा, हमें आउटपुट देगा मान लो अभी नो लोड पर 220 वोल्ट दे रहा है, तो शंट मोड के अंदर ये 190 वोल्ट हमें आउटपुट देगा, क्योंकि क्यों देगा 190 वोल्ट आउटपुट, क्योंकि 220 वोल्ट दे रहा है आर्मेचर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यहाँ पर जो ड्रॉप है वो 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट यहाँ से हम कम कर देते हैं, अगर ये आर डी को हम 0 कर देते हैं तो ये ड्रॉप कितना हो जाता है 30 वोल्ट, इसके अकॉर्डिंग 220 में से 30 गए तो 190 स्पीड हमारी बच जाती है शंट के अंदर, जब ये वर्क करता है ऑन लोड कंडीशन के अंदर,
ऑन लोड कंडीशन के अंदर यहां पर क्या होगा, आरडी की वैल्यू कुछ होगी, आरडी की वैल्यू कुछ होगी तो यहां पर आरडी का क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके अकॉर्डिंग फाइव एसी की वैल्यू जैसे हम इंक्रीज कर जाते हैं, तो ऑन लोड कंडीशन के अंदर फाइव एसी की इंक्रीज करते जाएंगे तो 220 वोल्ट का आउटपुट है वो रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि बी माइनस फाइव एसी जो भी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग ये 210 वोल्ट ऑन लोड के अंदर आ जाएगा। अगर इसको डिफरेंशियली देखें तो डिफरेंशियली के अंदर ये 210 वोल्ट देगा, फ्लैट मोड के अंदर ये 220 वोल्ट जितना वोल्टेज है हमारे पास उतना देगा, और ओवर कॉम्यूटेटिव के अंदर ये 250 वोल्ट देगा। 250 वोल्ट मतलब कि 20 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो एडिशन होकर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओवर कॉम्यूटेटिव की कंडीशन में। तो सिंपली हम देखें कि अगर बी यहाँ पर केवीएल अप्लाई करते हैं, बी बराबर ईजी माइनस वोल्टेज ड्रॉप होता है, ईजी माइनस जो भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है वो होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप इसको 30 वोल्ट रेटेड कर दिया मान लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप, तो अंडर की कंडीशन में क्या होगा, अंडर की कंडीशन में ये 30 वोल्ट से क्या है 20 वोल्ट की तरह वर्क करेगा, यानी 20 वोल्ट ड्रॉप होगा अंडर कॉम्यूटेटिव के अंदर, फ्लैट के अंदर 30 वोल्ट का 30 वोल्ट कंप्लीट ड्रॉप होगा, और जो ओवर कॉम्यूटेटिव है उसके अंदर प्लस 60 वोल्ट ओवर भी हो सकता है, तो ये ओवर कंपाउंड जनरेटर के अंदर वर्क करेगा। अब देखते हैं यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बाय एडजस्टिंग द लेवल और डिग्री ऑफ द कंपाउंड कंपाउंडिंग कम्यूटेटिवली कंपाउंड जनरेटर कैन एक्ट एज डिफरेंशियल मोड, यानी जो लेवल को एडजस्ट करते हैं फाइव एसी की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशियल मोड और कम्यूटेटिवली कंपाउंड मोड के अंदर वर्क करने लगता है। इट इज अचीव्ड प्रैक्टिकली बाय डिजाइनिंग के द्वारा इसको हम आराम से वर्क करवा सकते हैं। कम्यूटेटिवली जनरेटर एट ओवर कंपाउंड मोड एंड कनेक्टिंग ए कम्यूटेटिवली जनरेटर एट ओवर कंपाउंड मोड कनेक्टिंग ए डाइवर्टर, ये जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है इसे हम कहते हैं डाइवर्टर, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है इसे कहते हैं हम डाइवर्टर। तो हम कनेक्ट करते हैं कनेक्टिंग ए डाइवर्टर अक्रॉस द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इफ द सीरीज फ्लक्स इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली कंपनसेट द टोटल वोल्टेज ड्रॉप एट रेटेड लोड देन नो लोड वोल्टेज एंड द टर्मिनल एट रेटेड लोड आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज फ्लैट लेवल कंपाउंड जनरेटर विद द जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अगर हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करें, आरडी की वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करें कि ये इससे कम वैल्यू देता है 220 वोल्ट से, तो नो लोड कंडीशन में ऑन लोड कंडीशन में वर्क माना जाएगा। अगर ये इसके बराबर जितना रेटेड है उतने हमें आउटपुट देता है, यानी यहाँ पर जितना रेटेड है उतना ही ड्रॉप करता है, तो ये फ्लैट लोड के अंदर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है कि कम्यूटेटिवली जनरेटर एट ओवर कंपाउंड मोड एंड कनेक्टिंग ए डाइवर्टर अक्रॉस द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इफ द सीरीज फ्लक्स इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली कंपनसेट द लोड वोल्टेज ड्रॉप एट रेटेड लोड देन नो लोड वोल्टेज एंड द टर्मिनल वोल्टेज एट रेटेड लोड आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज फ्लैट लेवल कंपाउंड जनरेटर विद द जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। सीरीज फ्लक्स ओवर कंपाउंड या ओवर कंपाउंड द ड्रॉप एंड टर्मिनल वोल्टेज इज मोर देन नो लोड वोल्टेज। सीरीज फ्लक्स अगर ओवर कंपाउंड है, ओवर कंपनसेट हमने कर दिया है सीरीज फ्लक्स को, तो क्या होगा, द ड्रॉप एंड द टर्मिनल वोल्टेज इज मोर देन नो लोड वोल्टेज देन इट इज कॉल्ड ओवर कंपाउंड, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा ओवर कंपाउंड के अंदर। अगर सीरीज फ्लक्स डज नॉट कंपनसेट एग्जैक्टली देन द टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन नो लोड वोल्टेज, तो वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, देन इट इज वर्क एज अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडर कंपाउंड जनरेटर है वो पॉजिटिव के अंदर वर्क करता है, यानी इसका वोल्टेज रेगुलेशन है, ये वोल्टेज रेगुलेशन है पॉजिटिव होता है अंडर कंपाउंड जनरेटर का, और जो ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है नेगेटिव होता है, और जो फ्लैट कंपाउंड होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अब देखते हैं वोल्टेज बिल्डअप इन द सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। There are six essential conditions for the shunt generator to build up voltage. First है poles should contain residual flux. Poles है उनके अंदर residual flux होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं field winding and armature winding should be connected in such a way that the initial MMF add residual flux.